सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में प्रदर्शन जारी है। इस बीच सरकार ने युवाओं की नाराजगी दूर करने के लिए नई राहतों का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% हिस्सा अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगा। गृह मंत्रालय ने भी CAPF और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। इन्हें आयु सीमा में भी 3 से 4 साल की राहत देने का ऐलान किया गया है। आइए एक नजर डालते हैं उन ऐलान पर जो सरकार ने अग्निवीरों के लिए किए हैं। कोस्ट गार्ड और डिफेंस PSUS में 10% आरक्षण। CAPFS और असम राइफल्स में 10% आरक्षण। अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट। पुलिस भर्ती में वरीयता। मर्चेंट नेवी में रोजगार का मौका। इंडक्शन के 6 नए तरीके घोषित। NIOS की तरफ से 10वीं पास अग्निवीरों के लिए कस्टमाइज्ड कोर्स ताकि 12वीं का सर्टिफिकेट मिल सके। शिक्षा मंत्रालय इन सर्विस ट्रेनिंग को ग्रेजुएशन क्रेडिट्स के रूप में मान्यता देगा। इग्नू कस्टमाइज्ड डिग्री कोर्सेज लॉन्च करेगा। सर्विस के दौरान स्किल इंडिया सर्टिफिकेशन। सरकारी बैंकों, बीमा फर्मों और वित्तीय संस्थानों के जरिए सस्ती दरों पर कर्ज में आसानी। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 10% का कोटा कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट और सभी 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में लागू होगा। यह कोटा उस कोटे से अलग होगा जो पूर्व सैनिकों को दिया जाता है। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा, CAPF और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को तय अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का फैसला किया गया है। अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 साल की होगी। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। काफी विचार विमर्श के बाद फैसले को लागू किया गया है। यह योजना सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। हमें देश के जवानों का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।